नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मालू शुक्ला एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी ये है कि कहीं ना कहीं जो अधीनस्थ आयोग है वो जगता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी आपने रिजल्ट का भी सुना होगा, वो भी आएगा, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन उससे पहले जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि 2900 पदों के लिए अभी एक अध्याचन कहाँ पे, वन नियमावली है ना। अगर आप इसे देखोगे तो अधीनस्थ वन सेवा नियमावली अभी उत्तर प्रदेश गजट में भी ये जारी हो चुका है, और इसमें उप क्षेत्रीय वन अधिकारी और वन दरोगा भर्ती दो आपके बड़े पद हैं, और दोनों के लिए कुल मिला के समग्र रूप से 2902 पदों की इसके क्या निकला गया है, वैकेंसी निकाली जाएगी। अभी निकली नहीं है, केवल अध्याचन लिया गया है। तो ये वर्ष इसी भर्ती वर्ष 2022 में आएगा, इस बात को समझिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा इतना दिखा देता हूँ, अगर ये क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको थोड़ा ब्राइटनेस कम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो विषय है एक शासकीय पत्र है, और शासकीय पत्र में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के संबंध में ये एक शासकीय पत्र है जो 8 मार्च को 7 मार्च को क्या हुआ है, इस पे उत्तर प्रदेश गजट में आया हुआ है। अब देख लेते हैं इसमें है क्या मेनली। तो इसमें ये आप देख सकते हो सरकारी गजट में है, इसमें हम मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली अर्हताएं क्या है, सब कुछ क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कहीं ना कहीं जो आयोग था वो पिछले इतने सालों से रुका हुआ था, लेकिन इस बार ये स्पीड पकड़ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसी इस साल आपका इंतजार कर रही हैं। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगला जो 5 मिनट है उसमें बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, और इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो। हालांकि हम लोग सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देंगे, और अंततः आप सेशन को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं तो ये जो पद का नाम है आप देख पा रहे होगे, पद का नाम दो पद आ रहे हैं, एक क्या है उप क्षेत्रीय वन अधिकारी और एक वन दरोगा, ठीक है। दो पद आ रहे हैं, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी है और वन दरोगा है। इसके 564 पद हैं और इसके 2338 पद हैं। टोटल जोड़ोगे तो आपका 2902 पद के लिए यहाँ पे अध्याचन आया है। अब ये दोनों आते हैं ग्रुप सी के, है ना, समूह गा के अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा चांस तो यही है कि पीईटी के अंतर्गत ही होगा। आपने सरकार का भी रुझान देख लिया होगा, है ना, सरकार किसकी बन रही है। तो पीईटी दोबारा होना है, मैं आपको बता दूं एक बात पीईटी से संबंधित कि जुलाई में आपकी पीईटी दोबारा फिर से होनी है, तब तक फॉर्म आ जाएगा। तो पीईटी से ही ये आपका फॉर्म भरा जाएगा समूह गा की जो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है ये प्रमोशन के बेस पे बनेगा, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो आपका पद है ये आपकी सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और एग्जाम में बाकायदा आपका सिलेबस है ना इसका जारी किया जाएगा जब इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सपेक्टेड सिलेबस बता दूंगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये आप देख लो कि वन दरोगा जो है, बाकी ये वाला पद तो है प्रमोशन से है, मैं यहीं पे बता देता हूँ प्रमोशन भी किस आधार पे प्रमोशन होगा, कि ऐसे व्यक्ति जो वन दरोगा है और उन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। कब तक? भर्ती वर्ष तक। भर्ती वर्ष से मतलब ये होता है कि अभी सपोज करिए कि इस वर्ष भर्ती आ रही है, 2022 में भर्ती आ रही है, तो उसका काउंट कब से होगा? जुलाई 2022 से काउंट होगा। तो जुलाई 2022 से पहले पहले यदि कोई वन दरोगा है ना, और 5 साल का क्या कर लिया है, उसने का एक्सपीरियंस हो गया है इस पद पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के उस पे पोस्ट पे उसका प्रमोशन हो जाएगा, जो 564 पद खाली है। और प्रमोशन पे 564 पद कम नहीं होते हैं। अभी इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम नहीं हुआ है, बट उनके लिए भी खुशखबरी है कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड हो तो आपका भी प्रमोशन होकर क्या होते हो, वन दरोगा बन जाते हो, और वन दरोगा प्रमोट होकर क्या बन जाते हो, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी बन जाते हो, और कहीं ना कहीं ये आपका फिर ग्रेड बी की भी आपकी जॉब हो जाती है, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो 564 2338, इसमें क्या है, इसमें ये तो आपका पूरा प्रमोशन है, लेकिन इसमें क्या है 50% आपका क्या है सीधी भर्ती है, और जो 50% है वो क्या है प्रमोशन है। यानी सीधी भर्ती आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इसके 50% पद के लिए कराया जाएगा, मतलब आपके 1150 पद 1160 पद के लगभग आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो 1150 पद भी आपके क्या होते हैं, कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पद है सीधी भर्ती के लिए। और कारण इसका यह भी है, इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि यहां पे जो अर्हता है ना, एलिजिबिलिटी है, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, पहली बात तो एज जो है एलिजिबिलिटी में, अगर हम एज के देखें तो 21 से 40 वर्ष के सभी अभ्यर्थी क्या होंगे, इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम शैक्षिक अर्हता देखें तो यहां पे बीएससी वाले और जो बीटेक वाले हैं,
है ना, या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो। थोड़ा बीए वालों के लिए थोड़ा यहाँ पे निराशा वाली बात है, क्योंकि उनके लिए तो नहीं है कोई ऐसा विषय, इतिहास भूगोल वाला विषय नहीं है। फिर भी अगर आपका गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, है ना, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण, अगर इनमें से किसी में से अगर आप दो सब्जेक्ट, किसी में से दो सब्जेक्ट से आपका क्या है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें फॉर्म भरने के काबिल क्या हो जाओगे, हो जाओगे, ठीक है। या फिर अगर ये ना हो तो आप क्या हो, बीई या बीटेक हो, या इसके समकक्ष कुछ हो, ठीक है ना, बीई बीटेक हो तो भी आप क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे, या इसके कोई समकक्ष। अब समकक्ष का मतलब ये नहीं हो गया कि आपका बीए वगैरह, समकक्ष का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा आपके पास ग्रेजुएशन हो, स्नातक हो, जिसमें ये दोनों, इनमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा विषय आपके पास रहे हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो अभी देखा जाए, फिल्टर जब लग जाता है बीएससी का, बीटेक का, और उनके लिए अधीनस्थ में 1150 पद, क्योंकि आपने लोअर पीसेस वगैरह में देखा था तो 600-650 पद आते हैं, है ना, आपने एएसआई वगैरह में देखा तो उसमें भी 1329 ही पद लास्ट तक गए, तो इसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज्यादा पद हैं, और बहुत अच्छा एक आपको चांस मिल सकता है वन दरोगा बनने का। सीधी भर्ती है, बहुत अच्छा ग्रेड पे इसका होता है। इसके पूरे जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो आपकी जल्द आएगी, तो वो भी आप उसे देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि हम ये देख लेते हैं, ये तीन टीयर में एग्जाम होता है। पहला आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न में आपके क्या होंगे, जो ज्यादा संभवता है आपकी गणित होगी, मैथ्स होगा, इसमें रीजनिंग होगा, इसमें जीएस होगा, और क्या होगा, हिंदी होगा। ये चार विषय होंगे और 50-50 क्वेश्चन के, है ना, लगभग 50-50 ये एक्सपेक्टेड है, 50-50 क्वेश्चन के होंगे। टोटल आपके 200 मार्क्स के होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और 1/3 इसका निगेटिव होगा, या 1/4 निगेटिव होगा, ज्यादा चांस है 1/4 निगेटिव होगा, ये बात समझिएगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड के आधार पे होगा, ये भी आप समझते हुए चलिएगा। रिटन एग्जाम के होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में महिला और पुरुष दोनों के लिए बोला गया है। ऊंचाई अगर देखा जाए तो 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है। अगर यहां पे हम सीना का घेरा देखें तो फुलाने की बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर आपका फैलाव चाहिए, मतलब कि फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, वैसे आपका 79 और फुलाने के बाद 84, और ऐसे ही आपका महिला का क्या है, फुलाने के बाद 79 और वैसे आपका क्या हो जाएगा, 74। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यह आपका फिजिकल हो जाएगा। वो भी आपका जो हाइट, और इसमें वेट का कुछ नहीं है, यह बात समझिएगा, भार का कुछ नहीं है। हालांकि अन्य जो आयोग होते हैं वो भार लेते हैं महिलाओं का, है ना, बट यहां पे दोनों में क्या लिया गया है, सीने का घेरा लिया गया है, ये बात समझिएगा। तीसरा जो चरण आएगा वो रनिंग होगा। रनिंग इसकी टफ है, जैसे आपका युवा कल्याण विकास में जो था उसमें आपकी जो रनिंग है वो थोड़ा टफ है, यहां पे आप देख लो पुरुष। हाँ अच्छा, एक चीज समझ लो कि ऊंचाई में जो अनुसूचित जनजातियां गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूं मूलवंश के हैं, है ना, इनको ऊंचाई में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो पुरुष के लिए इनको 152.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है। तो हाइट बहुत ज्यादा, आप चाहे इधर का देख लो या फिर इधर का देख लो, हाइट बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा है, इस हाइट में लगभग सभी आ जाओगे, इतना तो होता ही होता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों का होता है, हाइट मैटर नहीं करती है। मैटर यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेगा, मैटर थोड़ा सा रनिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों को 25 किलोमीटर दौड़ना है और महिलाओं को 14 किलोमीटर दौड़ना है। हालांकि समय पर्याप्त दे दिया है, 4 घंटे कम नहीं होते हैं, आप आराम से थोड़ा वार्म अप करते भी दौड़ोगे तो 25 किलोमीटर आराम से 4 घंटे में दौड़ जाओगे, नॉट अ बिग टास्क, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपकी पोस्ट भी ऐसी है जहां पे आपको पैदल चलना ज्यादा होता है, रनिंग करनी होती है, तो इस हिसाब से आप समझिएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, जिनको वन में, इन सब में, फॉरेस्ट रेंजर और ये सबके बहुत ज्यादा प्रिय होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लेते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा पद है, बहुत अच्छी खासी इसमें आपकी सैलरी भी मिलती है, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है, बहुत आसान भी है, वैकेंसी भी काफी संख्या में है, और आयोग बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति भी निकाल देगा, इसकी भी संभावना है, इसकी भी सूचना आपको जल्द दी जाएगी, आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपकी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हो। दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए टीम कोर्स भी चलाएगी, तो आप में से कितने लोग ऐसा है जो चाहते हो कि कोई वीओडी बैच चला दिया जाए, और कितने लोग चाहते हो कि लाइव बैच चला दिया जाए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीओडी बैच में आपका ये फायदा हो जाता है कि आपको क्या होता है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में 200-300 रुपए में आपको बैच मिल जाता है, पुरानी रिकॉर्डेड क्लास होते हैं, वीडियो ऑन डिमांड होता है ये, और आपकी जो लाइव क्लासेस है इसमें फिर से शुरू से चीजों को पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छे लेवल पढ़ाई जाती है, तो इसकी फीस बहुत, तब भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, आपका 1000 के अंदर ही फीस होगी। मैं
पहले आपको बता दूं। तो क्या चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, कोई क्वेश्चन आपका है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, और किस प्रकार से हमसे मदद चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हम जान पाए कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं जो इस तैयारी में एक रुचि रख रहे हैं और वो यहाँ पे एक पद अपने झोली में डालना चाह रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। उससे पहले बहुत सारी कोर्सेस आपके अधीनस्थ के ही चल रहे हैं, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं, जो नीचे नंबर चल रहे हैं इस पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है उससे जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।